हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो लुईस थ्योरी के वन ऑफ द एक्सेप्शंस हैं, जिनको अपन सुपर ऑक्टेट या हाइपरवेलेंट या फिर ऑक्टेट एक्सपेंशन वाला मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, वो लुईस थ्योरी के एक्सेप्शंस क्यों होते हैं, इनको अपन एक्सप्लेन करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो लुईस थ्योरी होती है उसका सबसे सिंपल स्टेटमेंट ये है कि वही मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके कि एटम्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। इसीलिए लुईस थ्योरी को अपन ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। और अगर ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट किए जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम हुए, या फिर अगर इनको अपन हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, तो ये एक्सेप्शंस माने जाएंगे लुईस थ्योरी के। और ऐसे ही कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके किसी एक एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए ये भी लुईस थ्योरी के एक्सेप्शंस हैं और इनको अपन ऑक्टेट एक्सपेंशन या सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में रखेंगे। सबसे पहले ये जानने के लिए कि ये सब जो मॉलिक्यूल्स हैं PCl5, SF6, SO3, CLF3, ये ऑक्टेट एक्सपेंशन वाले मॉलिक्यूल यानी कि लुईस थ्योरी के एक्सेप्शन क्यों हैं, ये जानने के लिए अपने को पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा देखना होगा। पीरियड टेबल में देखने से पता चलता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनके वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे कि ऑक्सीजन और सल्फर और फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन भी, ऑक्सीजन और सल्फर भी, इसलिए इनके वैलेंस शेल में भी सेम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और ये सब अपन पता कर सकते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिख के। यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं PCl5, SF6, SO3, CLF3, इनके एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपने को पता लगेगा कि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कितना बॉन्ड बनाना चाहेंगे। सबसे पहले N और P के एटॉमिक नंबर से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि दोनों में वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर के वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में भी सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये 3 बॉन्ड बनाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स इनको शेयर करना पड़ेगा और ताकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। ऐसे ही ऑक्सीजन और सल्फर के पास में 2 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट से, इसलिए 2 बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे ही क्लोरीन और फ्लोरीन में जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, 1 कम है ऑक्टेट से, इसलिए ये 1 बॉन्ड बनाना पसंद करेगा। तो सबसे पहले अपन एक्सप्लेन करते हैं PCl5 मॉलिक्यूल को। PCl5 को एक्सप्लेन करने के लिए इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन से एक्सप्रेस कर दिए गए। अब इसके चारों तरफ 4-5 क्लोरीन अपन एक्सप्रेस कर देते हैं और हर एक क्लोरीन के वैलेंस सेल में, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसलिए इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हर एक क्लोरीन के वैलेंस सेल में अपन 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्रेस कर देंगे। और यहाँ से अपने को ये भी पता चलेगा कि हर एक क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए वो 1 बॉन्ड बनाएगा और 1 बॉन्ड बनाने के बाद में उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 5 क्लोरीन के 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन से शेयर हो जाएंगे और इस वजह से क्लोरीन के ऑक्टेट तो कंप्लीट होंगे हर एक एटम के, लेकिन जो फॉस्फोरस होगा इसके 5 इलेक्ट्रॉन खुद के और 5 इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे क्लोरीन के, टोटल इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसलिए ये ऑक्टेट का एक्सपेंशन माना जाएगा। लेकिन PCl5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और इसीलिए इसको अपन लुईस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और इसीलिए ये लुईस थ्योरी का एग्जांपल है ऑक्टेट एक्सपेंशन का या सुपर ऑक्टेट का एग्जांपल है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए। ऐसे ही अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन SF6 का चूज करेंगे तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सप्रेस करने के बाद में हर एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा ताकि फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। टोटल 6 ऐसे फ्लोरीन हैं जो हर एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है सल्फर को, इस वजह से फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और सल्फर के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले से और 6 फ्लोरीन ने इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, इसलिए सल्फर के वैलेंस शेल में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 6 बॉन्ड बने, इसलिए टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सेम तरीके से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं SO3 को भी। SO3 को एक्सप्लेन करने के लिए उसके सल्फर के सेंट्रल एटम के 6 वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्रेस कर दिया गया और उसके बाद में इसके चारों तरफ 3 ऑक्सीजन है और इसके चारों तरफ 3 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं।
सो हर एक ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्रेस करने के बाद में अपन देखेंगे कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हर एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए हर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा सल्फर के साथ में। तो सल्फर के टोटल 6 बॉन्ड हो गए, हर एक सल्फर का हर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से शेयर हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए दोनों एटम्स ने, 6-6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और 3 एक सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। सो टोटल यहाँ पे सल्फर के पास में 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ऑब्वियसली इसको भी अपन ऑक्टेट एक्सपेंशन वाला मॉलिक्यूल बोलेंगे। सेम तरीके से अपन CLF3 को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। CLF3 में अपने पास 3 ऐसे फ्लोरीन हैं जो क्लोरीन के पास में रखे हुए हैं और हर एक फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए हर एक फ्लोरीन क्लोरीन से एक बॉन्ड बनाना चाहेगा। और इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि 3 फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाए, तो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड के टोटल अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके बिना बॉन्डिंग के। तो टोटली इसके पास में 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्लोरीन के वैलेंस सेल में, और इसीलिए इसको अपन ऑक्टेट एक्सपेंशन बोलेंगे। सो गाइज, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं और इसीलिए इनको लुईस थ्योरी का या ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन बोला जाता है, और इनको अपन जनरली सुपर ऑक्टेट या हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। सो गाइज, दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।